युवा साथियों, आप देख रहे हो कि जल्द ही अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा, यानी कि अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक तक परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन काफी युवा आवाज उठा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम भी जल्द जारी होना चाहिए। यदि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले होगी तो कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड में कई लोगों को और मौका मिलेगा। तो साथियों, 22 मार्च को सुबह 10:30 बजे शहीद स्मारक पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी करवाने की मांग को लेकर और जो बजट में घोषणा की गई थी 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने की, तो उनका विभाग वाइज कि कौन से विभाग में कौन सी भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, कब एग्जाम होगा, उसका कैलेंडर जारी किया जाए। इन महत्वपूर्ण दो मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत मासिक कार्यालय में ये युवा पहुंचे हैं। इनकी मांग यही है कि 1 लाख पदों पर भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक तब सभी तक मैंने ये आवाज पहुंचाई है कि जल्द से इनका परिणाम जारी हो, यानी कि 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां तत्काल पूरी हो और जो घोषणा की गई बजट में 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो और उसका कैलेंडर जारी हो। सब तक हमने मांग पूछा दी है। उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में 22 तारीख को शहीद स्मारक पर आप लोग पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं सरकार तक आपकी मांग मजबूती से जाएगी, क्योंकि चुनावी माहौल है और हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ सिस्टमेटिक तरीके से भर्तियां हो और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले। साथियों, 30 मार्च की मेरी सिस्टर की शादी है और फिर भी मैं टाइम निकालकर आज ऑफिस में इस मीटिंग में शामिल हुआ हूं और 22 तारीख को शहीद स्मारक पर भी पहुंचूंगा। इसके अलावा ये टीम बन चुके हैं जो इस आंदोलन, इस प्रदर्शन को लेकर कार्य करेगी या सब जगह जाएगी। तो तमाम लोगों से मेरी अपील है, जब मेरे घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है उसको छोड़कर मैं आज ऑफिस पे आया हूं और 22 तारीख को आपके इस आंदोलन में, इस धरने प्रदर्शन में मैं शामिल रहूंगा। तो तमाम लोगों से अपील है जो इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम जल्द आए, जो इंतजार कर रहे हैं 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा हो, यानी कि घोषणा हो चुकी है, उसका वर्गीकरण हो कि कोई कह रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की आएगी कि नहीं आएगी, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की आएगी कि नहीं आएगी, पीटी जो तमाम विभाग है, सभी विभागों में 1 लाख पदों पर जो घोषणा उसका वर्गीकरण हो और भर्तियों को पता चले। तो इस प्रमुख दो मांगों को लेकर 22 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। आज परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो तमाम युवा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। साथियों, जितनी मदद होगी मैं भी मदद करूंगा। फिर आप लोग ये मत कहना कि आपने थर्ड ग्रेड से पहले आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग नहीं दिलाई। आप लोग आओगे, आपकी संख्या होगी तो कहने की सरकार आपकी पीड़ा समझेगी, आपके साथ न्याय करेगी। और आप घर सोते रहे कि ठंडा मौसम है, रजाई ओढ़ के सोते रहे, तो उसकी जिम्मेदार आप होगे, न उपेन यादव होंगे, न ये लोग होंगे। जितनी मदद है मैं कर रहा हूं, समय निकाल कर रहा हूं। अभी आपके पास समय, आप चाहते हो कि ज्यादा सीटें खराब नहीं हो, क्योंकि एक व्यक्ति का 3 जगह चयन हो सकता है। भाई थर्ड ग्रेड भी होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी हो सकता है, लेकिन जो 48,000 का 2 गुना का परिणाम जारी होगा, यानी कि करीब आप देख लीजिए 50 लाख के करीब आप लोग पहुंच रहे हैं, तो उनके दस्तावेज सत्यापन में समय लगेगा 2 गुना का परिणाम जारी होने के बाद। तो कहीं इस दौरान फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परिणाम निकलकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो सकती है। वो कब होगी? आप प्रेशर बनाओगे, दबाव बनाओगे, अपनी ताकत दिखाओगे, तब होगा। अन्यथा, क्योंकि जैसे ही परिणाम जारी होगा फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, 1 गुना का परिणाम आएगा, तो फिर थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग मिलेगी और उनका फिर अलग अलग जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में उनका दोबारा सा नंबर आएगा। फिर ये मत कहना कि साहब उनको हटाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए 22 तारीख को सुबह 10 बजे आप शहीद स्मारक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। ये आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियों के लिए, कैलेंडर के लिए, और इन दोनों भर्तियों का और तीसरी थर्ड ग्रेड का कर्मश है नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए। धन्यवाद।